जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को सभी नौ ग्रहों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य न्याय के देवता और शनि देव के पिता हैं। सूर्य देव किसी भी जातक को सरकारी नौकरी दिलाने में अहम योगदान करते हैं और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में यश का कारक भी सूर्य ही हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उपासना बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल आमतौर पर 14 जनवरी को पड़ता है। इस साल 2019 में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी के दिन भी है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य गोचरवश भ्रमण करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस बार संक्रांति का वाहन सिंह और उपवाहन गज यानी कि हाथी होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मकर संक्रांति पर कुछ राशियों के भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। इस बार मकर संक्रांति पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसका फायदा जिन राशियों को मिलने वाला है उसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वो राशियाँ। पहला मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य दशम भाव में होगा, जिसकी वजह से इनको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। आपका मन कार्यों में लगेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने का योग बन रहा है। आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। दूसरा सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए संक्रांति का ये योग बहुत ही शुभ साबित होगा। प्रेम जीवन आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और अपने प्रेम का प्रस्ताव उसके सामने रखना चाहते हैं तो ये समय आपके अनुकूल है। आप अपने कर्जों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। अपने पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तीसरा वृश्चिक राशि। मकर संक्रांति पर बन रहे इस शुभ योग से इस राशि के जातकों के व्यापार में पहले के मुताबिक बहुत ही सुधार होने वाला है और इनको अपने कार्य में कोई बड़ी सफलता भी हो सकती है। लोगों के पास रुका हुआ धन प्राप्त होने का संभावना बढ़ रहा है और नए नए व्यवसाय भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। ये लोग कहीं लंबी यात्रा का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। चौथा कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य के इस परिवर्तन की वजह से अपने कार्यों में अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल होगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को हासिल करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी और आपके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, जिसका लाभ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।